गाइस अभी हम लोग अरे पर पधार रहे हैं पुष्पा का मतलब खटला में। हम लोग का ये बंगाली भाषा है खटला। तो हमारे रैपर सर आइए यहाँ बैठिए और हमारे ऑडियंस को छोटा सा मतलब रैप सॉन्ग सुनाइए। तो क्या बोलती पब्लिक? हेलो गाइस, मैं हूँ पुष्पा और आपका स्वागत है और एक अनदर ब्लॉग में, जो कि हर बार की तरह पुष्पा का तो ब्लॉग आपको पता ही है कैसा ब्लॉग होता है पुष्पा का। तो गाइस, पुष्पा का ब्लॉग हर बार की तरह ये भी ब्लॉग इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि जलेबी दिखाने वाले हैं आप लोगों को। आप लोगों ने मार्केट में खाया होगा होटल से, बट मैं आज वहाँ से, हाँ गाइस, पेड़ से ही जलेबी को तोड़ के खाने वाले हैं, कैसा टेस्ट रहता है। साथ ही साथ हमारे गाँव के एक रैपर को भी दिखाने वाले हैं, जो कि अच्छा अच्छा मतलब रैप को गा लेते हैं, जैसे दूसरा कोई, जैसे एमसी स्टैन हो गया, उन लोग जैसे जैसे रैपर गाते हैं उसी को कॉपी करके वो अपने चेहरे मतलब बोलते हैं, सुनने में तो बहुत मजा आता है। तो आप लोगों को सुनाने बोले। तो गाइस, अभी झारखंड का एक आदमी जो कि मर गया है, उसी का वही गाया था वो रैप सॉन्ग, तो वही गाने वाला है हमारे गाँव का रैपर। तो अभी जो हमारा कैमरा मैन है वही है रैपर। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको मैं बाद में दिखाने वाला हूँ। इधर आइए, ये देखिए, ये तो हो गया आपका बैर का पेड़, इधर हो गया आपका जलेबी का पेड़, एक टाइप से यहाँ एक बगीचा है। ये देखिए जलेबी अभी पके नहीं है अच्छे से, ठीक है, जब पक जाएंगे ना तब आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा एकदम। पुष्पा का तो ब्लॉग आप लोगों को पता है, अगला ब्लॉग भी लेकर आऊँगा जलेबी का, एकदम पुष्पा की तरह मैं लेकर आऊँगा, ठीक गाइस। इधर देखो, पहले यहाँ लीची का भी पेड़ है, जब पक जाएगा तब पुष्पा आएगा खाने के लिए। देखिए गाइस, ये देखिए इतना मतलब अभी छोटा छोटा है, इतना बड़ा बड़ा हो जाएंगे, लाल लाल हो जाएंगे, तब भी मैं ब्लॉग लेकर आऊँगा। उधर आम का पेड़ है, चलिए दिखाते हैं। आइए 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 कैमरा मैन आइए गाइस, ये देखिए आम का पेड़, इधर भी आम का पेड़, उधर बैल का पेड़, हर जगह मतलब मस्ती मस्त नज़ारा आता है। और गाइस, ये दूसरे का घर है, हम लोग आए हैं यहाँ ब्लॉग शूट करने, बहुत ही अच्छा सा लोकेशन है इनका घर में, और अच्छा यहाँ मतलब बैठ के ना एकदम आराम फील होता है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, जैसे साफ ऑक्सीजन, मतलब वहाँ बैठ के मैं आराम करता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ दो तीन मिनट अभी मैं आराम करके मैं बना रहा हूँ अभी ब्लॉग, वहाँ बैल, यहाँ आम, उधर लीची, उधर बैर, उधर जलेबी गाइस, और उधर जामुन, मेरा बोला नहीं जा रहा फिर भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हमारा गांव का रैपर, जो कि छोटा सा मतलब रैप सॉन्ग गाएंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ हमारा गाँव का रैपर। गाइस अभी हम लोग का रैपर पधार रहे हैं पुष्पा का मतलब खटला में। हम लोग का ये बंगाली भाषा है खटला, इसको मतलब बैट बोल सकते हैं, एक तरह बैट तो दूसरा हो गया ना। तो हमारे रैपर सर आइए यहाँ बैठिए और हमारे ऑडियंस को छोटा सा मतलब रैप सॉन्ग सुनाइए। तो क्या बोलती पब्लिक, चचा आ गया हम और तेरे पब्लिक को सांड रहेगा तेल देंगे, सब्सक्राइब कर दो। क्या बोलती पब्लिक, चचा आ गया हम तेरे पब्लिक को सांड रहेगा तेल देंगे, सुन। अरे गांडू प्याली ज्ञान मत पील, तेरा आइटम कोई दे दूंगा सांडा का तेल, तेरी बंदी है और मेरी बंदी है, फिर किसी स्टेशन में जा किसी छक्के को, फिर तुझे पूरे के देख रहा, तेरा आइटम किक कर रहा, फिर डरा रहा, तेरे चचा से कहा है तू मर रहा, अली बल चमक नाम मेरा कल का झटकन कर वाला कर कत्ता हाल में छोड़ दम मेरा, मैं झटकन के बच्चा से ना औकात में। गाइस बस इतना सही हमारे रैपर से सुनाए हैं, फिर से लाएंगे, कैसा लगा फिर से वो लेकर आएंगे। अभी हम लोग का रैपर का सॉन्ग गाना खत्म हुआ और अगला सॉन्ग भी आएगा ये रैपर का। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो पास में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कीजिए, ताकि मैं ऐसी मज़ेदार वीडियो लाऊं तो आप लोगों पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बाय, अगले ब्लॉग में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।